आप देख रहे हैं दिल अपना पाकिस्तान इंतखाब अहमद के साथ। दिल अपना पाकिस्तान की काविश है वैंकूवर बीसी पूरे कनाडा में बल्कि वर्ल्ड वाइड कि हम अपने कल्चर को अपनी सकाफत को प्रमोट करें। और आज हमारे साथ अमीन खान और उनकी टीम है, और ये टीम जो है मेरे साथ जफर खान है, आमिर खान है और अमीन खान है। ये सब लोग जो हैं शाह साहब को बुला रहे हैं, और जनाब रहीम शाह जो हैं वो पाकिस्तान का एक लेजेंड है जो कि पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया भर में फैला रहे हैं। वो 29 जून को आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक एक मिनट की आप जो है वो बात करें और दोबारा से और लोगों को ये बताएं कि भाई किस तरह से आप आए शो में, उन्हें मोटिवेट करें। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने पहले बताया इंतखाब भाई के रहीम शाह को हम लेके आ रहे हैं, पश्तून कल्चरल एसोसिएशन ऑफ बीसी के फ्लैग के अंडर रहीम शाह आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान का एक बड़ा सितारा है, उसको कामयाब बनाना हम सब पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है। तो इस वजह से हम एक साथ जुड़े हैं, और ये उन ज़बानों में गाता है जो पाकिस्तान में बोली जाती है। तो हमारे कल्चर को फ़रोग देना, उसको प्रमोट करना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, इस वजह से हम इस साथ जुड़े हैं। तो इनके टिकट्स लेने के लिए आप अमीर साहब के साथ पास आ सकते हैं, ऑनलाइन लिए जा सकते हैं, इवेंट ब्राइट पे टिकट ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं, और टेबल्स हम बेच रहे हैं। जो हमारा इवेंट है ये डाइन इन इवेंट है, इसमें डिनर भी दिया जाएगा, एपेटाइजर भी होंगे, साथ में एंटरटेनमेंट भी होगा, तो एक पूरा पैकेज होगा। पूरा पैकेज होगा जी। अमीर खान साहब आप बताएँ, आप गुजरा था तो मैं ज़रा खामोश हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है, आप हम कंटिन्यू रखते हैं जी। अमीर खान साहब आप बताएं कि आप अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें आप ला रहे हैं, बहुत शॉर्ट सी बात कीजिएगा और अपील कीजिएगा लोगों को। जैसा कि मैंने जनाब भाई पहले भी जिक्र कर दिया है कि ये हम स्पॉन्सरों को एक मकसद की वजह से हम इकट्ठा करते हैं, उसकी वजह ये ना बल्कि हम एक पाकिस्तानी सितारे को चमकाना चाहते हैं। साथ में ये जो हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर हैं इनके अपने अपने बिजनेसेस हैं, और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाए, और जितना ज़्यादा होगा इतना एक्सपोजर ज़्यादा होगा, एक्सपोजर ज़्यादा होगा इतना मतलब रिलेशनशिप बढ़ेगा, बिजनेस भी शायद बढ़ेगा। और ये साथ में ये है कि हमें ये एक प्रोग्राम सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का नहीं है बल्कि इस बनने में खुशियत, अभी जिस तरह जफर भाई ने बताया कि इसको कई जुबानों में गाना आता है, तो मेरे ख्याल में ये एक लेजेंड है और इंशाल्लाह लेजेंड बनेंगे, तो हमें चाहिए कि इसको प्रमोट करें, खुशी खुशी से आए, हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें। आप बताएं जी, पश्तून एसोसिएशन के सदर हैं हमारे साथ अमीन खान साहब। अमीन खान साहब का डेरा ये बहुत मशहूर है, और इनके जो डेरे में खाली डेरा नहीं है, इनके पास माशाल्लाह लोगों की जो है इंसानी ज़रूरियात खाना जो है वो बहुत हर वक्त अबंडेंट होता है, यहाँ पे इनके दोस्तों के लिए इनका दरबार खुला हुआ है। तो आप बताइए अपने डेरे में आप ये फंक्शन कर रहे हैं, और आप डेरे में आपने इब्तदा की, आज ये शो जो है रहीम शाह साहब का यहाँ पे होगा वैंकूवर में, थोड़ी सी एक बात करते हैं। बस जी, आज हम ये सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, और तमाम हमारी जो पाकिस्तान की मीडिया है वो सारे ही दोस्त आए हुए हैं। आज हम एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं तो इसी प्रोग्राम के बारे में। वो तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मल्टी टैलेंट बंदा है, और ये हर एक जबान में गाता है, तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सब आएँ और इंजॉय करें, और बाकी तो मेरे दोस्तों ने आपको सारा कुछ बता दिया। फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली प्रोग्राम है नाज़रीन, खास बात ये है फैमिली बच्चों के साथ आएं, और ईद को अपनी जो ईद का सीजन है ये यहाँ पे और वैंकूवर में, उसमें अपनी जो हाजिरी है वो लगाएं और इंजॉय करें, इंटरटेन करें। जैसे जफर खान साहब ने कहा ये ईटेन इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान।